आज इस गरज से यहाँ पे जमा हुए हैं। पिछले 10-12 साल से हम में से कोई 15 साल से कोई 16 साल से एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर काम कर रहा है। सिर्फ मेयर हमारी सैलरी 7,000 तक रखी हुई है। फार फलंग एरियाओं से हमें हमसे काम लिया जाता है। यहाँ एक डॉक्टर को एक बार एग्जाम लिया जाता है, पीएससी एक बार क्वालिफाई किया जाता है, इंजीनियर का एग्जाम एक बार क्वालिफाई किया जाता है। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द साइड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कि हमें हर साल स्क्रीनिंग की जाती है, पीएससी की तरफ हमारा एग्जाम लिया जाता है। जो ही अब सेशन एंड होने को होता है तो हमें निकाल दिया जाता है। लेकिन हम शुक्रगुजार है, काफी शुक्रगुजार है, तहे दिल से शुक्रगुजार है हम एडवाइजर साहब के, खुर्शीद अहमद गनाई साहब के, जिसने राजौरी सीओ साहब के खिलाफ लिखा कि आपने कैसे नोटिफिकेशन फिर इनका एग्जाम किया है, आप इनका एग्जाम नहीं कर सकते हो। तो दूसरी बार कल हमारे यहाँ पे फिर से सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने फिर यहाँ पे आप प्लीज यहाँ पे होल्ड कीजिएगा, कहा कि इस मैटर को देख के यहाँ 15-20 साल से काम कर रहे हैं, हमारा एसआरओ वहाँ पे जम्मू में भी मच चल रहा है, 738 डेज वहाँ पे चैन हैंगर स्ट्राइक चल रही है, वहाँ भी उस बार भी यही डिमांड चल रही है कि इनका मामला हल कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें डैम श्योर है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एसआरओ कायम किया जा रहा है। लेकिन बदनसीबी सितम जरीफी यह है कि यहाँ पे कुछ सीओ मनमानी कर रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं और खुद वो अपना कानून अपने हाथ में लेके हमें यहाँ से फिर एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालने।